चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म खान साहब तहरीक इंसाफ के सरबरा को नतायज आने से कबल ही VIP प्रोटोकॉल सिक्योरिटी फ्राहम कर दी गई। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान को वजारत दाखला की जानब से बनी गाला में VIP सिक्योरिटी फ्राहम की गई है। VIP सिक्योरिटी अवामी तौर पर सरबरा खान ममलकत को फ्राहम की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तहरीक इंसाफ के सरबरा को इंतखाबी नतायज आने से कबल ही VIP सिक्योरिटी फ्राहम कर दी गई है। ताज़ा तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान को वजारत दाखला की जानब से बनी गाला में VIP सिक्योरिटी फ्राहम कर दी गई है। ताहम पोलिंग का वक्त ख़त्म होने और पोलिंग नतायज आने से कबल ही अब वजारत दाखला की जानब से अहम फैसला कर लिया गया है। वजारत दाखला ने तहरीक इंसाफ के सरबरा को इंतहाबी नतायज आने से कबल ही VIP प्रोटोकॉल फ्राहम कर दिया। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान को वजारत दाखला की जानब से बनी गाला में VIP सिक्योरिटी भी फ्राहम कर दी गई। वजारत दाखला ने ऐलान किया है कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही करार पाएंगे। वजारत दाखला ने ऐलान किया कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे, जिस पर इन्हें VIP प्रोटोकॉल और VIP सिक्योरिटी फ्राहम कर दी गई है। पोलिंग का अमल सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक रहा। ताहम हबस और गर्मी के बायस लोग वोट डालने के लिए बाहर निकले। इलेक्शन अमल के दौरान कोयटा में दहशतगर्दी का वाकया भी पेश आया। इसी तरह लड़काना में भी धमाका हुआ, बाज़ मकामात पर लड़ाई झगड़े भी हुए। हकीकी नतायज आने से कबल ही इमरान खान को VIP सिक्योरिटी फ्राहम कर दी गई और अंदाज़ा भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि यही अगले वज़ीर आज़म होंगे। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट में करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी।